हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शानू। तो आज मैं अपना शेयर करने वाली हूँ 9 मंथ का मॉर्निंग टू इवनिंग तक का रूटीन। ये देखो पिंपल आ गया, जस्ट एंड होने को आया है 9वां महीना मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रूटीन। और मैंने हेयर कट करवा लिया है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो हो गए हैं, बट ठीक है, बाद में आ ही जाएंगे बाल मेरे, क्योंकि हेयर ग्रोथ अच्छे से हो जाते हैं। बेबी को पे ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है। बालों से मैं बहुत इरिटेट हो जाती, इसलिए मैंने कटवा लिया। तो प्लीज़ तारीफ ही करना, और क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगेगा वरना सोच सोच के। वैसे भी मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा है कि ज़्यादा शॉर्ट हो गया। आप सबसे शेयर करूँगी कि दिन भर में मैं क्या कर रही हूँ इस मंथ में। और पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनसे शेयर ज़रूर करना। तो 9वां महीना मेरा चल रहा है और नेचुरल लेबर पेन है, इसलिए मैं डेट्स लेती हूँ। ऐसा बोला जाता है कि डेट्स लास्ट मंथ में लेने से नेचुरल लेबर पेन आता है और मुझे उसी का वेट है, तो मैं ये 3 डेट्स लेती हूँ। मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, नाश्ता हो गया मेरा। नाश्ते में मैंने सबसे पहले डेट्स खाया, आपको दिखाया है। इस समय मैं डेट्स खा रही हूँ 9वें महीने में, और हीमोग्लोबिन भी सही रहता है उससे, चाहे आप मिल्क में ले लो, मिल्क के साथ, या फिर ऐसे ही ले लो। तो उसके बाद मैंने खाया है, उसमें मैंने चाय, बिस्किट, नमकीन, यही सब खाया है। अभी नाश्ता करना बाकी है। पहले मैं अभी वॉक करूँगी, थोड़ा वार्म अप करूँगी, देन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगी, फिर नाश्ता करने वाली हूँ। तो दिखाते हैं, चलिए। पहले अभी मैं अभी घर में ही वॉक कर रही हूँ। ऐसे मॉर्निंग में मैं घर में ही वॉक करती हूँ, और इवनिंग में मैं नीचे जाती हूँ, घर में वॉक करती हूँ और एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ घर पे। तो अभी मैं वॉक कर रही हूँ वार्म अप के लिए। तो प्रेगनेंसी का 9वां महीना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इस मंथ में कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। और अगर 9 महीने कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहता है, और प्री टर्म डिलीवरी से आप बचे रहो तो ज़्यादा सही रहता है। तो इस टाइम आपको काफ़ी एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि आप अगर नेचुरल नॉर्मल पेन चाहते हो जो कि आ जाए और लेबर हो जाए आसानी से और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो आपको अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। वैसे तो आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी टाइम एक्टिव होना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए बोला है तभी आप बेड रेस्ट करो, वरना प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, आपको एक्टिव रहना चाहिए। और कुछ एक्सरसाइजेज जहाँ मैंने जो ये फॉलो किया है, इसे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरह से पेल्विक फ्लोर मसल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो वॉक कर लिया मैंने वार्म अप के लिए, उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो इसमें ये मेन एक्सरसाइज होता है, इस तरह से आपको बैठना है फ्लोर पे और इस तरह से अपने पैरों को ऊपर नीचे करना है बटरफ्लाई की तरह। और इससे क्या होता है, आपका पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रॉन्ग होता है और वाइड होता है वो एरिया, और जैसे बेबी ड्रॉपिंग के लिए आपको हेल्प मिलती है, और काफ़ी इजीली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी अगर आपका नीचे का एरिया अच्छे से फ्लेक्सिबल रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक दूसरी एक्सरसाइज, जो कि है जैसे कि नॉर्मल आप इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हो उसी तरह से आपको बैठना है, और ये एक्सरसाइज 37 वीक के बाद आपको स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से आपको बैठना है, जितनी देर आप बैठ सको, इससे नीचे बेबी ड्रॉपिंग में आपको हेल्प होगी और बेबी नीचे की तरफ आएगा, उसका हेड फिक्स हो जाएगा। इस तरह से मैं डक वॉक कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने पार्टनर की हेल्प से भी डक वॉक कर सकते हो। डक वॉक भी आपको 37 वीक के अराउंड स्टार्ट करना चाहिए, बहुत पहले से नहीं करना चाहिए, और ये भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है। इस तरह से आप कर सकते हो। और डक वॉक क्या, एक तरह से पोछा लगाना होता है ना, उस तरह से ही होता है। अगर आप नहीं लगा सकते हो, आपका पेट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ, मतलब हैवी है, आपसे नहीं हो सकता, तो इस तरह से आप कर सकते हो। वरना आप पार्टनर का हाथ पकड़ के और नीचे जैसे कि वॉक करते हैं ना, वैसे ही बैठे बैठे वॉक कर सकते हो। मैं ऐसा भी करती थी और अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के उस तरह से वॉक भी करती थी, जिससे कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प हुई और बहुत ही कम ड्यूरेशन का मेरा लेबर पीरियड रहा है। अगर आपने मेरा लेबर एंड डिलीवरी व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना।
और मैंने अपना सब कुछ अपना हॉस्पिटल से रिलेटेड व्लॉग आप सबसे शेयर किया हुआ है। इसके अलावा मैं आप सबसे अपनी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो इसके अलावा आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करना चाहिए, जो कि लेबर के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है गाइस, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शंस आता है ना तो बेबी की हार्ट बीट जो होती है ना वो थोड़ी सी ड्रॉप होने लगती है, क्योंकि बेबी स्ट्रेस में ना चला जाए, इसलिए आपको डीप ब्रेथ लेना रहता है जिससे कि बेबी की हार्ट बीट भी अप हो जाए। तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होता है माइंड भी सही रहता है। इसके अलावा आपको करना चाहिए स्क्वैट्स, तो यहाँ पे आप किसी चीज़ का सपोर्ट लेके स्क्वैट्स कर सकते हो, चाहे तो आप कुर्सी का सपोर्ट ले सकते हो। मैं इस तरह से स्क्वैट्स करती हूँ और इससे भी बेबी ड्रॉपिंग में हेल्प होती है, प्लस नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो ये एक्सरसाइज मस्ट है। बटरफ्लाई स्क्वैट्स ये तो ज़रूरी करना चाहिए, वॉक तो ज़रूर ही करना चाहिए डेली, लगभग आपको 30 से 40 मिनट वॉक करना चाहिए। अगर आपको थकान हो रही है तो प्लीज़ आप स्टॉप कर देना वहीं पे, थोड़ा टाइम गैपिंग दे के आप करो, ऐसा नहीं कि एक साथ सारी चीज़ें कर डालो। तो यहाँ पे मैं स्क्वैट्स कर रही हूँ आराम आराम से, आपको लगभग 10 स्क्वैट्स तो करना ही करना है डेली। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से आपको बेली पे हाथ रखना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से एक्सरसाइज करनी है ये वाली, इससे भी बेबी ड्रॉपिंग में हेल्प होती है। बेबी ड्रॉपिंग मतलब बेबी अपना हेड जो है ना वो फिक्स कर लेता है, और वैसे तो मेरे टाइम में बेबी ने हेड तो फिक्स नहीं किया था, तो इसीलिए मैं स्पेशली ये सारी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। बट लास्ट मोमेंट तक बेबी ने हेड फिक्स नहीं किया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल है, फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है, लेकिन मेरे जो मसल्स हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग थे, फ्लेक्सिबल थे, इसलिए मेरा डिलीवरी प्रोसेस और डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं गया। तो मैं आपको स्पेशली बोलूँगी कि बेबी हेड ड्रॉपिंग नहीं होती है तो भी आप इस तरह से एक्टिव रहो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करते रहो, तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और नॉर्मल डिलीवरी नहीं भी होता है अगर लास्ट में तो कोई बात नहीं, सी सेक्शन भी बहुत बुरी चीज़ नहीं है, बट हाँ नॉर्मल हो जाता है तो क्या होता है ना उसमें रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी हर कोई चाहता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और पहली डिलीवरी अगर नॉर्मल हो जाती है ना तो दूसरी भी अगर आपको बेबी करना है तो नॉर्मल के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये एक्सरसाइजेस कर ली हूँ, तो एक्सरसाइज तो हो गई और उसके थोड़ी देर बाद अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है 2 पराठे और मैंने लिया है पालक की सब्ज़ी और थोड़ा सा अचार मैंने लिया हुआ है। तो अभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी बाथ के लिए, और उसके बाद मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन भी थोड़ा सा दिखाने वाली हूँ। तो आफ्टर टेकिंग शावर मैं यहाँ पे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं मॉम्स कोका सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में 2nd trimester से यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। और मैं प्रेगनेंसी में जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी उससे रिलेटेड भी वीडियो जल्दी डालने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देख लेना, आपको इससे बहुत हेल्प होगी। तो मैं फेस पे बस सीरम ही लगाने वाली हूँ अभी, और इसके अलावा कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाऊंगी, कभी कभी मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ओपटन बॉडी लोशन, और इसे मैं अपने हाथों में पैरों में अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, और इसके और भी बहुत सारे वेरियंट्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो। इसके बाद मैं मामा अर्थ का ही लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, चेरी टिंटेड लिप बाम है और ये मुझे काफ़ी पसंद है, इसे मैंने आपसे और भी अपने ब्लॉग्स में शेयर किया हुआ है। तो इसे मैं हॉस्पिटल भी लेके गई थी, क्योंकि आपके ना लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लंबा लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसके बाद मैं अपने बालों को अच्छे से कोम कर रही हूँ, और मेरे बाल कितने छोटे हो गए हैं ये आपको दिख ही रहा होगा, उससे पहले मेरे बाल कितने ज़्यादा लंबे थे। अभी मैं यहाँ पे द मॉम्स कोका बॉडी बटर यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं अपने स्ट्रेच मार्क्स पे अप्लाई करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल होता नहीं है, मुझे भी हुआ है, बट हाँ आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं निप्पल बटर यूज़ कर रही हूँ द मॉम्स कोका, और इसे अपने निप्पल्स पे अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मेरे निप्पल्स थोड़े ड्राई ड्राई हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में ये होता ही है, तो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। तो बस ये मेरा मिनिमल सा स्किन केयर रूटीन था, इसके बाद मैं आप सबसे डिटेल में एक वीडियो शेयर करूँगी जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उससे रिलेटेड। तो आपको मेरी स्किन कैसी लग रही है, हेल्दी लग रही है ना, मुझे तो काफ़ी हेल्दी लग रही है। तो अभी इसके बाद फिर मैं अपना लंच करने जाऊंगी। सो गाइस ये मेरा स्किन केयर था जो कि हो गया,
इतना ही था मिनिमल। कभी कभी मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, कभी कभी मैं सीरम लगा के छोड़ देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो आज का मेरा लंच है दाल फ्राई, राइस और सैलड, और ये दाल है मसूर की। मुझे मसूर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं मसूर की दाल खा रही हूँ। ये छिलके वाली मसूर की दाल है और ये है मेरा आज का लंच। तो इवनिंग में मैं लेती हूँ फ्रूट, तो अभी वाटरमेलन का सीज़न है तो मैं वाटरमेलन ले रही हूँ। मैं कोई भी फ्रूट ले लेती हूँ, आपको ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि आप सीजनल फ्रूट ही लो, और वाटरमेलन में पानी तो काफ़ी होता है तो इसे मैं ज़रूर लेती हूँ। तो इवनिंग में मैं और मम्मी नीचे वॉक के लिए जाते हैं, और डेली हम लोग वॉक करते थे। मुझे स्पेशली डॉक्टर ने बोला था कि वॉक करना और एक्टिव रहना और स्क्वाट्स वगैरह करने के लिए बोला था स्पेशली, क्योंकि हेड ड्रॉप नहीं हुआ है बेबी का, पेल्विक एरिया में उसने हेड फिक्स किया नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। बट फिर भी विदाउट बेबी ड्रॉपिंग मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही हुई, तो इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टहल लिया तो पसीने पसीने हो गए भाई साहब। रोड पे इतने कुत्ते रहते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है डॉगी से। मैं अपने नीचे पार्किंग में ही टहल रही हूँ अभी। तो नाइट में मैं ले रही हूँ कढ़ी और थोड़ा सा राइस और रोटी, तो ये मेरा डिनर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।